यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हाँ, तो पहली बार हम लोग खबरें अभी तक के लिए एक स्टोरी कहने जा रहे हैं, कैसे इंसान की कहानी जो जिसका आज दिन है और उस पर बात की जानी चाहिए। एक बच्चा था अपने ज़माने में, वो खिड़की से बाहर देखता है, उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कई दिनों से भूखी है, बेचारी है, गरीब है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। और एक छोटा सा बच्चा अपने घर में बैठ के ये सोच लेता है कि इसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में कितना अंतर है, मैं जैसे जी रहा हूँ और ये जैसे जी रही है उसमें कितना फ़र्क है। आगे चल के जब बच्चा विद्यालय तक जाता है तो विद्यालय के बाहर खड़ी एक बूढ़ी औरत उसको मिलती है जो कई दिनों से भूखी है। एक छोटा सा बच्चा यही सोच लेता है कि अपने खाने में से इस औरत को आधा खाना देना चाहिए। ये कहानियाँ बहुत अजीब हैं एक छोटे से बच्चे के लिए जो ये सोच पाता है। वो बच्चा जानते हैं कौन था? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। नेताजी की एक और दिलचस्प कहानी है। पिताजी कह रहे थे मेला चलो और नेताजी कह रहे थे नहीं, मुझे बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है। ये कितना अजीब है कि एक बच्चा छोटी सी उम्र में, हम आप इस उम्र में कोई कह दे कि चलो फिल्म देखने जाना है और रास्ते पे कोई ज़रूरतमंद हो तो शायद हम उसकी मदद ना करके फिल्म देखने जाते हैं, और एक बाप जब अपने बच्चे को खुद कह रहा है कि मेला देखने जाना है, वो कह रहा है बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है। ऐसी शख्सियत थी सुभाष चंद्र बोस की। बोस साहब बहुत डायनामिक थे, आजकल के नेताओं से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। एक ऐसा नेता जो फौजी की वर्दी में होता था, जिसको देख के लोगों में जुनून और जोश आया करता था। अच्छा, एक कहानी, हिटलर। हिटलर पूरी दुनिया कहती है कि हिटलर से बड़ा कौन, हिटलर पागल, सनकी और पता नहीं क्या क्या। 1942 में नेताजी की मुलाकात बर्लिन में हिटलर से होती है। हिटलर से वो गए थे मदद मांगने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में, लेकिन हिटलर से पहला सवाल नेताजी का जो था वो ये था कि आपने जो अपनी किताब में भारतीयों को लेकर लिखा है उस पर मुझे घोर आपत्ति। हिटलर जैसी शख्सियत, उस समय का एक पागल इंसान तानाशाह, और उसके सामने एक भारत जो खुद मदद मांगने गए हैं नेताजी, वहाँ उससे ये बात कह देना कि आपने ये गलत लिखा है। और बाद में आपको ये हैरानी होगी कि नेताजी की इस बात के बाद हिटलर ने उनसे माफ़ी भी मांगी। तो एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया में प्रचलित था अपने पागलपन के लिए, वो एक साधारण से उस समय के स्वतंत्रता सेनानी के सामने झुकता है। ऐसी थी नेताजी की शख्सियत। एक निर्णायक लड़ाई की बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के सामने जो राजनीतिक खतरा एक मंडरा गया था कि समानांतर एक और नेता था उस देश में महात्मा गांधी के समय, उस समय तो इकलौते सुभाष चंद्र बोस थे, जो इस देश में तो नहीं थे लेकिन देश के लोगों में उनका उनके प्रति एक जबरदस्त दीवानगी थी। लेकिन जब 1945 में जब एक विमान दुर्घटना की खबर आती है तो शायद ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की उस विमान दुर्घटना में मृत्यु होती है, और उसके बाद से कांग्रेस के सामने से वो राजनीतिक खतरा टल जाता है। ये बहुत अजीब है आज भी हमारे देश की राजनीति में कि कोई भी नेता कहीं भी कुछ अच्छा अगर कर रहा है, सामने वाला नेता कभी उसके समर्थन में नहीं आता है, वो उस अच्छी चीज़ में तमाम खामियां निकाल देता है। देश में उस समय भी ऐसा ही था, कोई अलग दुनिया के लोग नहीं थे महात्मा गांधी या चाचा नेहरू। एक जवान जो इसी देश के लिए लड़ रहा था उसको कभी उन्होंने समर्थन ही नहीं दिया। आज़ाद हिंद फौज में 32,000 सैनिक उन्होंने भर्ती करवा लिए बाहर रह के, और बर्मा में उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे ने पूरे देश में जैसे एक तरह से स्वाधीनता की आग लगा दी, और वही उस नारे का दबाव था, उस लड़ाई का दबाव था जो सुभाष चंद्र बोस इस देश के बाहर रह के लड़ रहे थे कि गांधी जैसे अहिंसक आदमी जो पूरा जीवन ये कहकर उन्होंने निकाल दिया कि हम अहिंसा के जरिए इस देश में आजादी लेंगे। आजाद हिंद फौज को कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और बापू महात्मा गांधी ने कभी ना समर्थन दिया ना विरोध किया। ये ठीक वैसा था कि भगत सिंह की फांसी को लेकर जो कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर, महात्मा गांधी के मन के अंदर, क्यों भाई, एक स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी थे ना, क्रांतिकारी थे,
उनकी फांसी को नहीं रोक पाए। और उनकी फांसी के लिए, रोकने के लिए सुभाष चंद्र बोस बाहर से लड़ते रहे, और वो राजनीतिक लड़ाई गांधी और भगत, ये गांधी और सुभाष चंद्र बोस में ताउम्र रही जब तक सुभाष और गांधी एक राजनीतिक मंच पे रहे। उस बात को लेकर दोनों में कंफ्यूजन रहा। तो देखिए, देश में स्वतंत्रता सेनानी तमाम हुए, उनको लेकर हमें जो कहानियां पढ़नी, समझनी, जाननी चाहिए, उसको जानते रहिए, समझते रहिए। बहुत से नेताओं का बहुत बड़ा बड़ा रोल है, हम आपको पता ही नहीं लगता है कि किसने क्या कर दिया। तो एक ऐसा आदमी जो देश के बाहर रह के भी इस देश के लिए उतना जुड़ा हुआ था, उस देश के लिए उतने ही समर्पण भाव से आगे बढ़ रहा था, जबकि उसके पता है कि वो देश निकाला है, उसके देश के लोग, उसके देश की राजनीतिक पार्टी उसके साथ नहीं है, बावजूद इसके वो एक जुनून के साथ जुड़ा रहा। आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 121वीं जयंती है उनकी। उनको सलाम करिए, उनको पढ़िए, जानिए, समझिए कि एक ऐसा नेता जो देश के बाहर रहा, मर गया या जीवित है, वो भी सरकारों ने इस देश को नहीं बताया। लेकिन सुभाष जी, नेताजी जहाँ भी होंगे, वो हमारे दिलों में है, हमारी देश की मिट्टी में है। नेताजी को पढ़िए, जानिए और उनको समझिए कि एक छोटी सी उम्र में आदमी पूरा जीवन बलिदान कर देता है देश से बाहर जाकर। धन्यवाद।